अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे मिक्स सब्ज़ी। तो सर्दियाँ हल्की हल्की आ गई हैं और जो फ्रेश सब्ज़ियाँ आई हैं मेथी बैंगन वगैरह, तो हमने आपको रेसिपी शेयर करी है। तो हमारे पास सबसे पहले फूल गोभी है, गाजर है, मेथी है, बैंगन है। बैंगन हमने इसलिए नहीं काटे क्योंकि काले हो जाते हैं, जैसे ही डालेंगे डालते वक्त काटेंगे हम। ये मटर है, हमने प्याज ली है दो बड़ी साइज़ की, आलू है, लाल मिर्च है दो एक चम्मच, नमक है एक चम्मच, हल्दी एक चम्मच है हमारे पास, लहसुन अदरक का पेस्ट है एक चम्मच, टमाटर है और ये दो है, दो हमारे पास टमाटर है, और ये तेल है चार चम्मच। हमने पैन गरम करने रख दी है। सबसे पहले ऑयल डालेंगे, अब प्याज डालेंगे। अब इस प्याज को हम हल्का हल्का नरम करेंगे। हमारी प्याज नरम भी हो चुकी है और उसका कलर भी चेंज हो रहा है हल्का हल्का। पहले इसमें हम लहसुन अदरक डालेंगे। लहसुन अदरक के साथ इसमें हम गोभी डालेंगे। इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। आलू डालेंगे, मटर, टमाटर, गाजर। अब इसमें हम सारे स्पाइसेस डाल देंगे। इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया। इसको आप 5 मिनट के लिए कवर करेंगे। जब तक ये कवर हुआ है हम बैंगन काट रहे हैं और बैंगन डालेंगे फिर हम। तो 5 मिनट हो चुके हैं, हम बैंगन ऐड करेंगे। अब देखिए हमारी सब्जी अच्छे से गल चुकी है, तेल भी ऊपर आ गया, आलू भी गल गए। अब इसमें हम मेथी और हरी मिर्ची डालेंगे दम के लिए। इसको सिर्फ 5 मिनट दम के लिए रखेंगे, हम कवर करें दम के लिए। ये देखिए इसमें तेल भी ऊपर आ गया और ये दम भी हो गया। इसको अभी डिश आउट करते हैं।